तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 22 सितंबर 2023 और 22 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और इस सेशन से रिलेटेड ये जो सभी क्वेश्चंस है, ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और आज के हमारे सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकन यूनियन औपचारिक रूप से निम्न में से किस समूह में शामिल हो गया है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो अफ्रीकन यूनियन है या फिर जिसे हम अफ्रीकन संघ के नाम से भी जानते हैं, ये औपचारिक रूप से मतलब ऑफिशियलिटी के रूप से ये किस समूह में शामिल हो गया है, यह हमें बताना है। और ऑप्शंस में हमें चार समूह के नाम दिए गए हैं। पहला दे रखा है ब्रिक्स, दूसरा दे रखा है G7, तीसरा दे रखा है G20 और चौथा दे रखा है संघाई सहयोग संगठन। इस प्रकार चार हमें ये समूह के नाम दे रखे हैं और इन चारों समूहों से हमें बताना है किस समूह में ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये ऑफिशियल रूप से शामिल हो गया है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन सी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो अफ्रीकन यूनियन है ये G20 में अभी हाल ही में ये शामिल हो गया है और इसे G20 की सदस्यता मिली है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का सेकंड चरण कहां आयोजित किया गया, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ये जो वरुण अभ्यास 2023 है यह आयोजित किया गया और इसका जो 21वां संस्करण था ये 2023 में इसका आयोजन किया गया और 21वें संस्करण के जो सेकेंड चरण है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है भूमध्य सागर, ऑप्शन बी में दे रखा है इंग्लिश चैनल, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन डी हमें दे रखा है अरब सागर। इस प्रकार चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि वरुण अभ्यास 2023 के 21वें संस्करण का सेकंड चरण का जो आयोजन है ये फ्रेंड्स अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, अरब सागर में। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में ये जो रेलवे स्टेशन है उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदला गया है। तो इसका जो नया नाम है ये क्या रखा गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी में दे रखा अयोध्या कैंट स्टेशन और ऑप्शन डी में दे रखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इस प्रकार चार स्टेशनों के नाम हमें दे रखे हैं और इन चारों में से बताना है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ये जो कैप्टन तुषार महाजन है ये कौन थे। तो जब ये पुलवामा अटैक हुआ था फ्रेंड्स 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर में, तो इस पुलवामा अटैक में ये जो कैप्टन तुषार महाजन है ये शहीद हुए थे। तो इनके नाम पर ही ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, तो हाल ही में यूनेस्को ने किस यूनिवर्सिटी को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है, ये हमें बताना है। तो ये जो यूनेस्को है इसने फ्रेंड्स अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो इन चारों में से किस विश्वविद्यालय को ये मान्यता मिली है, हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन बी में दे रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, ऑप्शन सी में दे रखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को और ऑप्शन डी में दे रखा पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को। इस प्रकार चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि यूनेस्को ने अभी हाल ही में शांति निकेतन विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। इस प्रकार ऑप्शन ए है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, शांति निकेतन यूनिवर्सिटी। इसके आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन में, तो हाल ही में ICCR ने किस राज्य में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है, तो ये हमें बताना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये राज्यों की रियासी क्वेश्चन हो गया, तो हमें बताना है कि ये
ICCR ने किस राज्य में अभी हाल ही में वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है यह हमें बताना है। तो वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका आयोजन अभी हाल ही में ICCR ने बिहार में किया है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही ऑप्शन ए में दे रखा है पंजाब, ऑप्शन बी में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन सी में दे रखा है उड़ीसा और ऑप्शन डी में दे रखा है बिहार। तो बिहार में अभी हाल ही में ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है, इसीलिए ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है बिहार। इसके आगे छठे क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण बोर्ड कल्याण योजना की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में ये जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना है इसकी जो घोषणा है ये किस राज्य द्वारा की गई है, तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए दे रखा केरल राज्य, ऑप्शन सी दे रखा हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा उत्तराखंड। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना इसकी जो घोषणा है ये अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, इसीलिए ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में कौन सी भारतीय महिला देश की पहली पैरा कमांडो बनी है यह हमें बताना है। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये भारतीय जो थल सेना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और इनमें से बताना है कि कौन सी जो भारतीय महिला है ये देश की पहली पैरा कमांडो बनी है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मेजर पायल छाबड़ा, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी में दे रखा है साक्षी कोचर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गीता मेहता। इस प्रकार चार महिलाओं के नाम हमें दे रखे हैं और इन चारों में से बताना है कि कौन सी जो महिला है वो पहली देश की पैरा कमांडो बनी है। तो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो मेजर पायल छाबड़ा है ये अभी हाल ही में देश की पहली पैरा कमांडो बनी है, इसीलिए ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही ऑप्शन बी में दे रखा है अवनी चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स ये जो अवनी चतुर्वेदी है ये फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट पायलट बनी है, मतलब कि जो फाइटर जेट होते हैं वायुसेना के अंदर उनको उड़ाने वाली पहली पायलट बनी है। तो इस प्रकार ये अवनी चतुर्वेदी है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेडी है वायुसेना के अंदर। इसके आगे चलते हैं। तो साक्षी कोचर सी के ऑप्शन में हमें दे रखा है साक्षी कोचर। तो ये जो साक्षी कोचर ये कौन है, ये है यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया, मतलब कि जो ये सबसे कम उम्र में फीमेल पायलट बनी है इंडिया के अंदर साक्षी कोचर, इसीलिए ये सी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेडी हो गई इंडिया की। इसके साथ ही डी में दे रखा है गीता मेहता। इनके बारे में बताना है तो फ्रेंड्स इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी, ये मशहूर लेखिका थी। तो पेशे से ये कौन थी, ये पेशे से फ्रेंड्स लेखिका थी। इसके साल ही 80 साल में इनका जो निधन है वो 80 साल में हुआ है, मतलब इनका जो निधन है वो 80 साल की उम्र में हुआ है। इसके आगे आठवें क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्न में से कौन एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक है यह हमें बताना है। तो ये जो बुक है ये अभी हाल ही में रिसेंटली लिखी गई है एग्ज़ाम वॉरियर्स, और ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है खालिद होशनी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है देवेंद्र पाल, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है लालजी टंडन और ऑप्शन डी में दे रखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस प्रकार चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि एग्जाम वॉरियर्स नामक बुक के जो लेखक है वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी है। तो इस प्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ये जो एग्ज़ाम वॉरियर्स बुक है ये अभी हाल ही में किनके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा। इसके आगे नाइन्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और इसके जो नए अध्यक्ष नए चेयरमैन बने हैं ये कौन बने हैं यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है दीपक मोहंती, ऑप्शन बी में दे रखा है जोशीत रंजन सिक्कीदार, ऑप्शन सी में दे रखा है रजनीश कुमार और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है
आर दोराईस्वामी, ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन अभी हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो ये क्वेश्चन है ये डाउटेबल है, मतलब इसका जो आंसर है ये डाउटेबल है, ये इसका आंसर डी नहीं होने वाला, इसका आंसर हमारा सी होने वाला है। मतलब कि मास्टर इंडिया कंपनी के जो नए चेयरमैन बने हैं ये बने हैं रजनीश कुमार, इसीलिए ऑप्शन सी है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ये जो दीपक मोहंती है ये कौन है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, दीपक मोहंती है ये है PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में दीपक मोहंती, इसीलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके आगे चलते हैं तो आर दोराईस्वामी, इनके बारे में बताना है ये कौन है आर दोराईस्वामी। तो ये आर दोराईस्वामी है LIC के नए MD अभी हाल ही में घोषित किए गए हैं आर दोराईस्वामी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो एक दो और तीन, तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि पहला क्वेश्चन मास्टर कार्ड इंडिया कंपनी के नए अध्यक्ष जो कि हमने देखा है रजनीश कुमार, इसके साथ ही PFRDA के नए अध्यक्ष जो कि हमने देखा है दीपक मोहंती, और इसके साथ ही जो ऑप्शन डी है इसमें दे रखा है LIC के नए प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कौन बने हैं, ये बने हैं आर दोराईस्वामी। इस प्रकार तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के अंदर। इसके आगे चलते हैं दसवें क्वेश्चन में, तो वॉट इज द हाइएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाई द RBI, ये हमें बताना है कि जो हाइएस्ट वैल्यू का जो नोट है ये कौन सा है RBI के द्वारा जो कि प्रिंट किया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 5,000 रुपये का नोट, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 10,000 रुपये का नोट, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 500 का नोट, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 1,00,000 रुपये का नोट। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कितने मूल्य का जो नोट है वो हाइएस्ट कितने मूल्य का नोट RBI के द्वारा प्रिंट किया गया है, RBI के द्वारा छापा गया है पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि हाईएस्ट 10,000 मूल्य का जो नोट है वो RBI के द्वारा छापा गया है। अब हम देखते हैं कि ये कब छापा गया है और क्यों छापा गया है। तो द हाइएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज द 10,000 नोट इन 1938 विच वाज डी मोनेटाइज्ड इन जनवरी 1946, द 10,000 रुपीज़ वाज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इन 1954, ये इसमें दे रखा है कि ये जो RBI है इसने 10,000 रुपये का जो नोट है ये 1938 में छापा था, इसके साथ ही जनवरी 1946 में वापस इसको बंद कर दिया गया और 1954 में इसकी नोट की आवश्यकता वापस पड़ी और इस 10,000 रुपये वाले नोट को वापस 1954 में छापा गया। तो इस प्रकार ये जो हमारा 10,000 रुपये का नोट है ये इसका राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि RBI के द्वारा हाईएस्ट 10,000 रुपये का जो नोट है वो छापा गया है, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऐसी ही फ्रेंड्स यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स की इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके और वो करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।